हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी लैक्मे 9 to 5 स्टाइलिंग कलेक्शन सीसी क्रीम का। क्योंकि एक डेली बेसिस पे हम जब ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, कहीं पे भी बाहर निकलते हैं, तो डेली हमारे लिए फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत ही एक हेडेक वाला काम हो जाता है। और डेली हम फाउंडेशन अप्लाई करना भी नहीं चाहते, थोड़ा सा हम टचअप लेना चाहते हैं अपनी स्किन पर और लाइट मेकअप के साथ में थोड़ा बाहर निकलना चाहते हैं, ऑफिस जाना हो या फिर कॉलेज जाना हो, तो हम इस तरीके की सीसी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका कवरेज होता है। सबसे अच्छी बात है इसमें SPF 30 भी है, तो आपको सनस्क्रीन का भी काम करेगी। तो मैंने जो लिया, मेरी स्किन के टाइप में बहुत ज़्यादा मेरा फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो मैंने लिया हनी वाला चुना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसका, इस तरीके की पैकिंग, इन लोगों ने पैकिंग अभी चेंज कर दी थी, इस तरीके से आपको ये दिखेगा। और सेकेंड बात, उसकी बात करते हैं MRP की, तो इसमें 360 MRP है, लेकिन डिस्काउंट के साथ में आपको 250-260 के अराउंड ही आपको आराम से मिंत्रा वगैरह पर मिल जाएगा। और ये 30 ml इसमें शो कर रहे हैं, मिल जाएगा ये डिस्काउंट के साथ में। और ये मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ, हनी शेड है 02। तो देखते हैं इस तरीके से किस तरीके का इसका वर्क करेगा हमारी स्किन पर। तो थोड़ा सा आप देखो, और बहुत ही अच्छा ये कवर कर देता है, मतलब आपके स्किन पर थोड़ा सा, तो स्किन को आप देखो मेरे यहाँ पे जो स्पॉट्स जो दिख रहे हैं उनको हल्का सा कवर कर देगा, तो एक अच्छा सा लेयर क्रिएट कर देता है आपके थोड़े से, मतलब स्किन टोन का एक टोन उभार देगा और अच्छे से कवर भी कर देगा। इन सब देखो बहुत लाइट दिख रहे हैं, जैसे पहले बहुत डार्क दिख रहा था, तो ये बहुत अच्छा एक कवरेज भी आपको दे देगा, मीडियम टाइप का, बहुत ज़्यादा नहीं, तो लेकिन डेली यूज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपकी स्किन पे कवर अप देगा। तो एक तो ये ब्लेंड करने में बहुत ईजी है, आप इसको पहले मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पर लगा लें, उसके बाद में इसको अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ये स्मूथ आपकी स्किन पर ब्लेंड हो जाए। और बहुत लाइट, बहुत ही हल्का लेने से आपको बहुत अच्छी कवरेज दे देगा। आप देखो मैंने सिर्फ कितना 1 ड्रॉप लिया था और अच्छे से मेरी स्किन को उसने पूरे पे कवर अप कर लिया। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, उसके बाद में क्या होगा, आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्मूथ फिनिश भी है, और थोड़ा सा मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वन शेड थोड़ा सा लाइटर भी हुआ है। और इसने जो मेरे छोटे छोटे बहुत लाइट एक होता है ना हमारे फेस पे, जो डार्क स्पॉट है कुछ भी दिखते हैं, जो बहुत हल्के वाले होते हैं, उसको भी इसने कवर कर लिया। बहुत ज़्यादा कवरेज तो नहीं है, लेकिन मीडियम कवरेज है, हमारे डेली के हिसाब से बहुत बेस्ट है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली यूज़ के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। थैंक यू सो मच।